अगर बिता हुआ वक्त आपको परेशान कर रहा है तो यही समय है उसे भुला देने का। अकेले रहने का आनंद लेना सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। मतलब ही लोगों को फोन से ही नहीं, जिंदगी से ही डिलीट कर दो। चाहे घर के अंदर जी भर के रो लो, लेकिन दरवाजा हमेशा हंसकर ही खोलना। आज के समय में खुद को जरा संभल कर चलना, क्योंकि जगह जगह पर लोगों की सोच फेरी हुई पड़ी है। जब चुप रहने वाला इंसान चीखने लग जाए तो समझ जाना कि हद पार हो चुकी है। वक्त और सांसें दौलत से भी ज्यादा कीमती होते हैं। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं, बल्कि एक अच्छे मनन की जरूरत होती है। आजकल लोग पूरा भरोसा जीत कर फिर उसे तोड़ देते हैं। कुछ लोगों के साइन में दिल की जगह पर कैलकुलेटर होता है। वो हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि मुझे इससे कितना फायदा होने वाला है। इस संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता। आप जितना दबते हो, लोग आपको उतना ही दबाते हैं। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है, इसीलिए इसे बेहतर बनाने के लिए कभी किसी से उम्मीद मत रखना। मुझे हर एक भी हकीकत पता है, बस मैं जानबूझकर चुप रहता हूं। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और ना समझ इंसान की जुबान चलती है। जो इंसान किसी की भी नजर में बुरा नहीं है, तो समझ जाना वो चालाक है और वो किसी का सगा नहीं है। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका वक्त है, जिसे भी दे रहे हैं सोच समझ कर देना। मैंने बात नोट की है, जो सच्चा सीधा और ईमानदार आदमी होता है उसकी इज्जत कोई नहीं करता, और जो झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, वो सबको अच्छा लगता है। पूरी ताकत लगा दो धन कमाने में, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है इस जमाने में। पता नहीं क्यों पहले की तरह अब कुछ अच्छा नहीं लगता। जितना हंसने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा आंसू आने लगते हैं। ईमानदारी से रिश्ते निभाना वाले लोग अक्सर टूट जाया करते हैं। इसके लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उसे व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कदर करे। दूसरों की गलतियां सबको दिख जाती है, बात जब खुद की आती है तो लोग अंधे हो जाते हैं। थोड़ा धीरज रखो, क्योंकि हर दुख के बाद सुख का समय भी जरूर आता है। परवाह मत करो जमाने की, क्योंकि इसकी तो आदत ही है सताने की। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं, दाग ही लगाते हैं। एक असली बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान यह है कि उसमें कोई अहंकार या अभिमान नहीं होता। नियम बनाने के लिए खुद नियमों में चलना अति आवश्यक होता है। गिरगिट तो मुफ्त में ही बदनाम है, इंसान से ज्यादा। कोई रंग नहीं बदलता। जो व्यक्ति बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाता है, उसे हर कोई मूर्ख बना देता है। अच्छा हुआ लोग बादल गए, इससे हम भी जरा सा संभल गए। एहसास बात जाते हैं और कुछ नहीं। वर्ण, नफरत और मोहब्बत एक ही दिल से होती है। नींद और निंदा पर जो इंसान विजय का लेता है, उसे आगे बढ़ाने से कोई भी रोक नहीं सकता। जब कोई अपना गैरव जैसा व्यवहार करने लग जाए तो वो अपना अपना नहीं लगता। दुनिया में लोगों का नजरिया बदल रहा है। जो झूठ बोलते हैं उनके रिश्ते टिके रहते हैं, लेकिन जो सच बोलते हैं उनके रिश्ते टूट जाते हैं। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन हर चीज के लिए पैसों की जरूरत होती है। लोग जिंदा इंसान से ठीक से बात अब तक नहीं करते, और मरने के बाद हिला हिला कर पूछते हैं कि तू कुछ बोलता क्यों नहीं। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। कर्ज तो उतारा जा सकता है, लेकिन एहसान अभी नहीं उतरता। मौत भी गवाही देगी तुम्हारी कायरता की, अगर तुम बिना लड़े मर गए। उनसे तो लड़ा जा सकता है जो खुलेआम दुश्मनी करते, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा के चल करते हैं। आप में चाहे कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन प्रैक्टिस और कोशिश के बिना सब बेकार है। घर से मंदिर जाने की फुर्सत नहीं है, और इंसान शमशान से सीधा स्वर्ग जाना चाहता है। अगर कोई अनदेखा करता है तो करने दो। याद रखना, वक्त सबका आता है। जिसने कभी मुश्किल वक्त नहीं देखा, उसे अपनी ताकत का एहसास कभी नहीं होगा। विश्वास ही एक ऐसी एकमात्र ट्रॉफी है जिसे लोग जीतने के बाद अक्सर तोड़ देते हैं। जब तक किसी बात की पूरी जानकारी ना हो, तब तक हमें चुप रहना चाहिए। अगर वर्तमान में खुश रहना है, तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़नी पड़ेगी। किसी अच्छी जगह की तलाश करने से अच्छा है कि आप उसी जगह को अच्छा बना लो जहां आप रहते हो। कोई भी हमेशा बिजी नहीं होता है, सब दूसरी जगह मुंह मार रहे होते हैं। जो सबको अपना अपनाना कहता है, वो किसी का अपना नहीं होता। गलत लोगों की जीत उसी वक्त हो जाती है जब सही लोग चुप हो जाते हैं। जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते, उनके बारे में चिंता करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बुद्धिमान वो नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमान तो वो है जिसे यह पता है कि कहां चुप रहना है। विचार ऐसे रखो कि आपके विचारों पर भी लोगों को विचार करना पड़े। शिक्षा कमजोर बहुत होता है, लेकिन सच दिखाने से कभी घबराता नहीं। उधर दीजिए मगर सोच समझ कर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को गहरे समंदर में, जिनमें वक्त पड़ने पर स्वार्थ और मतलब की बदबू आती हो। फैन कुचलने का हुनर भी सीखिए, क्योंकि सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। ए खुदा, मैंने गिरकर देखा है कि तेरे सिवा यहां कोई नहीं उठाता।
जब कोई आपका अपना आपसे नाराज हो जाए तो उसे समझो, लेकिन अगर वो ना समझे तो फिर आप खुद को समझाओ। आप जितना सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे, उतने ही चतुर और बेईमान लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाओगे। भरोसा उस पर करना जो निभाना के लायक हो। कुछ पाल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी दे देते हैं। सच्चे लोगों पर भी उतना विश्वास रखिए जितना दवाइयों पर रखते हैं। बे कड़वे होंगे पर आपके लिए फायदेमंद होंगे। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। वो पकड़ पकड़ कर लता है जो आपको तकलीफ देती है। कभी कभी इंसान जितना अकेला राहत है उतना ही खुश राहत है। जुबान खराब होना दिमाग खराब होने की पहली निशानी है। जानवर मार खाकर भी वफादार है और इंसान प्यार पाकर भी गाढ़ है। उन लोगों से तो दूरियां ही ठीक हैं जिन्होंने आपकी नजदीकियों की कभी कद्र नहीं की। बड़ा वही होता है जो छोटे के दर्द को समझ सके। खुशी का एक ही उपाय है कि पुरानी बातों को बिल्कुल ना सोचा जाए। कुछ लोग आपसे इस भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां पर हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित होता है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। जिंदगी के सर्कस में सबसे खतरनाक करतब इसी से बेपनाह दिल लगी है। हमें उन पर भरोसा था, उन्हें लगा हम उनके ही भरोसे हैं। मदद एक ऐसी घटना है, करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। जीवन में इतने ब्यूजी हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही न बचे। याद रखें, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। तमाशा तो हमेशा सच का होता है, झूठ की तो सब तारीफ करते हैं। कभी कभी खुशखबरी अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई उस खुशखबरी से खुश नहीं होता। लोग आईना कभी ना देखते अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। अकेले रहने पर आप उतना दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर हो सकते हो। मनपसंद लोग मुश्किल से मिलते हैं, मिल भी जैन तो बड़ी मुश्किल से ठहरते हैं। इरादे सब मेरे सांप होते हैं, इसलिए लोग अक्सर मेरे खिलाफ होते हैं। इश्क किसी हादसे से कम नहीं, ये किसी के साथ ना हो तो ही बेहतर है। दोस्ती करनी हो तो पागलों से करो, जरूरत के समय समझदार लोग काम नहीं आते। चीख चीख कर दर्द बताऊं और मजाक बन जाऊं, बेहतर है कि खुद ही रो लूं और रख हो जाऊं। माना कि दुख सटा रहा है, पर यही दुख जीना भी सिखा रहा है। दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में तो उम्र लग जाती है और गंवाने के लिए एक पल ही काफी है। बड़प्पन वो गण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। हाँ, इंतजार हमेशा रहेगा तुम्हारा, बस अब हम आवाज नहीं देंगे। जिंदगी में कब क्या मिल जाएगा ये किसी को नहीं पता, इसलिए उम्मीद को हमेशा जिंदा रखिए। आपको बहुत कुछ ऐसा भी मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। स्टेशन जैसी हो गई है जिंदगी, जहां लोग तो बहुत हैं पर अपना कोई नहीं है। अगर किसी को आपके पास होने की कादर नहीं है तो उनको आपके दूर होने का मूल्य जरूर समझा देना। दिल अगर उदास हो तो दुनिया की रौन के भी जहर लगती है। तड़पना क्या होता है उसे इंसान से पूछो जिसके पास सब कुछ है, पर सिर्फ वो नहीं है जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश है। प्रश्न रहना वो दवाई है जो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं मिलती, वो सिर्फ आपको अपने अंदर ही मिलती है। अगर सफलता पानी है तो बाहर निकालो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर पर खाली मत बैठे रहो। हमारे अपने ही हमें इतना दर्द देते हैं कि गैरों को भी शर्म आ जाए। शायद आज की दुनिया में गलत होना ही सही हो गया है। जिंदगी जब कठिन समय में नाचना चाहती है तो ढोलक बजाने वाले अपने ही होते हैं। जिन्हें किस्मत बददुआ दे उन्हें तुम जैसों से इश्क हो जाता है। दुखों के आने से इंसान जितना ऊपर उठाता है ना, उतना दुनिया के किसी ज्ञान से नहीं उठ पाता। साथ ठहरना आना चाहिए, चलने के लिए तो सब तैयार हैं। कुछ तो की कीमत नहीं होती बल्कि अहमियत होती है। माफी गलतियों की होती है, किसी के साथ गलत करने की नहीं। हर सुलझा हुआ इंसान कहीं ना कहीं उलझा होता है। झूठ भी कितना अजीब है। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, जब दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। सम्मान के लिए संघर्ष जरूर करें पर अधर्म का साथ न दें। अधिकार के लिए जरूर लड़ें लेकिन जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह मत करें। आप जिसके साथ जितना गहरा संबंध जोड़ोगे वही इंसान आपको बंधन देगा। उसके सिवाय आपको दुख देने वाला और कोई नहीं हो सकता। दिल से ज्यादा महफूज जगह कोई दुनिया में नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग लापता भी यही से होते हैं। आप जब चाहो तब आजमा लेना मुझे। मैं बुरा वक्त देखकर रंग नहीं बदलते,
जिसमें से रूह का निकालना तो फिर भी आसान है, लेकिन दिल से उस इंसान को निकालना बहुत मुश्किल है जिसके साथ आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हों। कितनी बुरी लगती है, तन्हा महसूस करते हैं, करने के बाद कर कंधे मिल जाते हैं, लेकिन जीते जी एक के लिए तरसते हैं। याद रखना, जो आपको रुला सकता है वो आपको भुला भी सकता है। कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं कि वो आपके साथ हैं, लेकिन वक्त आने पर सब मुंह चुरा के भाग जाते हैं। जो खुद बुरे होते हैं वह दूसरों की बुराई ज्यादा करते हैं। आप चाहे लाख कसम ले लो, लेकिन छोड़ने वाला इंसान आखिर में छोड़ ही जाता है। जब हम छोटे तो मैन कहती थी कि बेटा दूर खेलने मत जाना, गुम हो जाएगा। आज इतना दूर हो गए हैं, इस सच में गम हो गए हैं। हमेशा धूर व्यक्ति से बचाना चाहिए, क्योंकि धूर्त व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। छोड़ दो, किसी से कुछ भी मांगना जो आपके हक में होगा वो ईश्वर आपको खुद ला कर देगा। अब मुझे अकेले रहना ही पसंद है, क्योंकि बनावटी रिश्ते अब अच्छे नहीं लगते। समय को यूं ही बर्बाद ना करें, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको फिर समय दे सके। इसीलिए जो कुछ भी शुरू करना चाहते हैं वो आपसे और अभी से शुरू करें। सहेलियां जो सहाना था, अब सिर्फ खुद के लिए जीना है। हमारी जिंदगी के सारे फैसले हमारे नहीं होते, कुछ फैसले वक्त भी हमारे लिए करता है। संघर्ष जीवन चलता रहता है, जो डरा नहीं, जो थका नहीं, इतिहास उन्हें का बनता है। कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं, मुश्किलों में ही इंसान ज्यादा निखरते हैं। खुश रहो, क्योंकि कि दुखी रहकर आपका दुख कभी कम नहीं होगा। सच कहूं कि जिंदगी बस एक लीला है, एक नाटक है, इसलिए ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं। आप बस खुश रहना सीख लो। आपकी कोशिश जरूर नाकाम हो सकती है, लेकिन उससे मिली सिख कभी नहीं। आज आग है, कल पानी हो, आखिर में सब लोग कहानी हो जाएंगे। बस यही सोचकर खुश रहा करो कि जो था वह अच्छा था, जो बच्चा है वह बेहतर है, और जो आगे चलकर मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। जवानी की लालच में बचपन गया, कामयाबी की लालच में जवानी चली गई। जिंदगी तो लोग जीते ही नहीं है, जो भाग्य में नहीं वो रोने से भी नहीं मिलेगा। इसलिए रोना छोड़ो और जिंदगी में आगे बढ़ो। हाथ जिसका भी पकड़ो पूरी उम्र के लिए पकड़ना, क्योंकि जिंदगी पार करनी है, सड़क नहीं। दीपक मिट्टी का है या सोने का है ये जरूरी नहीं, बल्कि वह अंधेरे में कितना प्रकाश देता है यह जरूरी है। उस तरह गरीब है, अमीर है, यह जरूरी नहीं, बल्कि मुसीबत में वो आपका कितना साथ देता है यह बहुत जरूरी है। रिश्तों को वो नहीं निभाते जिन्हें तोड़ने की आदत हो, रिश्तों को वही निभाते हैं जिन्हें जोड़ने की आदत हो। भूलना सीखिए जनाब, एक दिन दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। भरोसा नहीं है क्या मुझमें, पर बस यही बोलकर लोग धोखा दे जाते हैं। जिस तरह आजकल लोगों की बों में प्यार होता है, काश उनके दिल में भी सच में उतना प्यार होता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। जरूरी नहीं ये अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा ही हो। आजकल साजिश रचना वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। क्या फायदा उसे मोहब्बत का जो आपको खुशी देने के बजाय रोज रुलाती हो। वक्त अच्छा हो या बुरा हो, आखिर में गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। सबने इतना अकेला कर दिया है कि अब अकेलापन ही अच्छा लगता है। परेशानी और दुख में जो अनुभव और सिख मिलती है, वो सिख दुनिया का कोई स्कूल नहीं दे सकता। मीठे लोगों से मिलकर ही मैंने जाना कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। उसूल और मान्यताएं अलग नहीं होते तो दुनिया में ना कोई आस्तिक होता ना कोई नास्तिक होता, बल्कि हर कोई वास्तविक होता। इसका एहसान कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन आप उसे कभी मत भूलना। और आपका एहसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप उसे कभी मत जताना। घमंड में मत रहिए। अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता, बादल ही देता है चेहरे की रंगत। इश्क भी किसी सर्जरी से कम नहीं होता। धूप का नाम तो वैसे ही बदनाम है। चलते तो लोग एक दूसरे से हैं, चेहरा वही होता है, आईने बदलते रहते हैं, लवेंस वही रहते हैं, बस मायने बदलते रहते हैं। ना रास्तों ने साथ दिया, ना मंजिल ने इंतजार किया। मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर, मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। बहुत हास है वो इंसान मेरे लिए, फिर भी मेरा दिल दुखाता है। सबके लिए वक्त है उसके पास, बस मुझसे ही दूरियां बनाता है। बहुत जरूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी, क्योंकि यही वो समय है जहां हमारी मुलाकात खुद से होती है। जूते रगड़कर बनाई गई पहचान और जूते चाटकर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। बहुत परेशान होते हैं वह लोग जो हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं। एक बार अगर सब ए जाए तो फिर मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। बिखर गए वो सपने जिन्हें हम कभी अपनी जिंदगी समझते थे। लोग कहते हैं बात उनसे करो जिससे आपको बात करना पसंद हो, लेकिन हम कहते हैं कि बात उनसे करो
जिसको आपकी बातें सुनना पसंद हो। अपनी सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके सारे कष्ट वो कुदरत अपने आप दूर करेगी। ए खुदा, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बने देना। जो मुझसे दूर होना चाहे उसे मुझसे पहले ही दूर कर देना, दुश्मनी हो जाती है। मुफ्त में सैकड़ों से इंसान का बेहतरीन होना आजकल गुनाह बन गया है। याद रखना, जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा मोह करोगे, सबसे ज्यादा दुख भी आपको उसी इंसान से मिलेगा। यदि कोई एक इंसान आपको एक ही सबक बार बार सिखाए तो वो गलती उसकी नहीं, आप भी हैं। उसे इंसान से कभी झूठ मत बोलना जो आप पर भरोसा करता हो, और उसे इंसान पर कभी भरोसा मत करना जो आपसे बार बार झूठ बोलता है। यहाँ कोई किसी का नहीं, सबको बीमारी है, मतलब से ही निपट है। रिश्ते और मतलब की ही रिश्तेदारी है। कुछ लोगों को छोड़ना है, अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। उसे व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना। आप हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जा, पर क्या कभी किसी ने सोचा कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात भूल जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी शक्ति इस पर लगा दो। विश्वास रखना, वो चीज आपको जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। मैंने देखा है ये आलम जमाने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं रिश्ते निभाने में। रावण की जिंदगी से एक बात सीखी है, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखने चाहिए। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको उसे मुकाम पर जरील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसको पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं आता? बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। किसी के आप खुद को कभी मत बदलना, क्योंकि जो आपको सच में पसंद करेगा वो आपके लिए थोड़ा एडजस्ट जरूर करेगा। बिखर जाते हैं सर से पांव तक वो लोग जो किसी बेवफा से बेइंतहा मोहब्बत कर लेते हैं। सुना है सब कुछ मिल जाता है गूगल पर। अगर कहीं पर ईमानदारी और वफादारी मिले तो लोकेशन हमें भी भेज देना। अगर आप चाहते हैं तो अपना नाम ही अच्छा रख लो, क्यों दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। गलत फहमी है लोगों को कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया। जब अपनों में गद्दार हो तो इंसान घमंड की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है। कभी मन में ये विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल लेता है? सच्चे लोग दिल में उतनी जगह नहीं बनाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। सबसे ज्यादा करीबी और बहुत ज्यादा गरीबी हमेशा रुलाते हैं। देखी यारों की यार और दुनिया की दुनियादारी, यहां सब अपना अपना मतलब देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। एक बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। कुछ अजनबी भी अपनों से बेहतर मिल जाते हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वो नहीं कर पाए हैं। जिंदगी के अंत में हमारे अपने ही हमें जला देते हैं, लेकिन फिर भी हम इसे जानकर भी अनजन बने रहते हैं। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं, इंसान इसे पा के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी दौड़ता है। सुई जब चलती है तब बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। भले ही किसी औरत ने आज तक ताजमहल ना बनवाया हो, लेकिन उन्होंने करोड़ मकान को हर बना रखा है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी, मेरी बोला पता सही था मगर लोग अब बदल गए हैं।